सो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि मेरा टॉपिक क्या है। सो अबाउट माय कोर्स, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय कोर्स, दैट इज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन माय फर्स्ट सेमेस्टर दे गोना यू नो टीच मी अबाउट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन इन द सेकेंड लाइक थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, दे गोना टीच अस अबाउट लाइक हेल्थ सर्विसेज, लाइक यू विल हैव समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी। सो लेट मी रिव्यू all my five subjects so you can have an idea which sort of subjects you're gonna have if you have this course. So first is digital communication, second one is document creation and editing, third one is financial foundation, it's a math, like basic math, then there is fundamental of words, it's like word, like aapko word pe jaake bahut sari cheeze sikhayenge new starting mein, to first of class aapko cutting कॉपी पेस्ट ये सब सिखाएंगे बेसिक, एंड देन थ्रू आउट द पीरियड आपको थोड़ा और ज़्यादा एडवांस लेवल सिखाएंगे। देन टू लास्ट सब्जेक्ट्स आर कीबोर्डिंग, जो सबसे ज़्यादा बोरिंग है, एंड देन प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ सर्विसेज। सो यहाँ पे आपको लाइक यू नो प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाएंगे, क्या क्या जो आप बनने वाले हो, एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो, तो उसकी प्रोफेशनल स्किल्स सिखाएंगे। एंड देन द लास्ट इज essential communication skills, which is all about communication, like how you present yourself. In this course, it's like a very easy course. You don't have to, you know, push yourself harder to get good score in that. If you have good communication skills, you can get good score in this course. Also, in other five subjects, you can get good score. अगर आप starting से ही अपना assignment वगैरह complete रखो तो, बिकॉज बहुत ईजी है और हम इंडियंस तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी फाइनेंशियल फाउंडेशन की, जो मैथ्स है वो हम इंडियंस बहुत आराम से कर लेते हैं, क्योंकि हमको बेसिक मैथ हमारी इंडिया में फर्स्ट क्लास से भी पहले करा देते हैं, और यहाँ पे हमको कॉलेज में करा रहे हैं। सो और मेन चीज़ ये है कि ये स्किल कोर्स नहीं है, दैट्स वाई वो हमको बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं। अगर कोई हम स्किल कोर्स लेके आते हैं तो वो डेफिनेटली यहाँ पे हार्ड होता है। मेक श्योर कि अगर आप स्किल कोर्स लेके आ रहे हो तो आप बहुत अच्छे कोर्स में जा रहे हो। अगर आप कोई स्किल वाले लोगे तो आपको कंपनी हायर करेगी, बिकॉज यू हैव डिफरेंट स्किल एज कम्पेयर टू द क्राउड। आप क्राउड के साथ नहीं जा रहे, यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, सो कंपनी विल हायर यू फॉर दैट। इसीलिए यहाँ पे लाइक स्किल कोर्सेज की ज़्यादा वैल्यू होती है, जो मैंने नहीं चुना, तो मुझे जो कोर्स मिला मेरे को वो वैल्यू ले लिया, अब यहाँ आके पछताना पड़ रहा है। सो इट्स लाइक मेक श्योर दैट यू वट एवर कोर्स यू आर चूजिंग, और स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर 12th, देन मेक श्योर कि आपका कोर्स स्किल बेस्ड हो रादर देन ऐसे नॉर्मल कोर्सेज, बिकॉज ये बहुत ईजी होंगे और ईजी पढ़ाई हर किसी को आती है, तो कंपनीज को ऐसे नॉर्मली आपको फिर लो पेड में आपको जॉब मिलेगी। इट्स बेटर टू चूज अ कोर्स विच विल शो योर टैलेंट। देन कमिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट विच इज डिजिटल कम्युनिकेशन, दिस कोर्स इज लाइक यू हैव टू कम्युनिकेट डिजिटली, लाइक ईमेल्स, हाउ टू सेंड ईमेल्स, हाउ टू मेक कैलेंडर, हाउ टू यू नो मेक रिमाइंडर फॉर अपॉइंटमेंट्स और फॉर मीटिंग्स। सो ऑन देर इज ऐप आउटलुक, या दे गोना यू नो परफॉर्म ऑल दीज थिंग्स वट एवर आई मेंशन बिफोर, gonna perform in Outlook application, so which is very old. Nowadays people are using Gmail. I don't know why they are using Outlook, which is so old application. Okay, coming to document creation and editing. So this course where we have to write emails, letters, business emails and memo. Then coming to next subject, which is fundamentals of Word. जो फंडामेंटल ऑफ वर्ड होगा, इट्स काइंड ऑफ लाइक वर्ड, हम सब जानते हैं वर्ड में आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट टू क्लासेस लाइक टू वीक्स आपको बेसिक ए दबाने से, ऑल कॉपी, सी दबाने से, वी दबाने से क्या होता है, सी दबाने से क्या होता है, कट पेस्ट, ऐसी चीज़ें नॉर्मली सिखाएंगे। एंड देन आपको थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, पिक्चर्स, टेबल्स, हाउ टू मेक, सो ये सब इस कोर्स इस सब्जेक्ट में होगा। कीबोर्डिंग, सेकेंड लास्ट कीबोर्डिंग,
सबसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी मैं उसको, अगर आप इसमें आप कंटिन्यू रहेंगे कीबोर्डिंग में तो यू विल गेट गुड स्कोर, स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाती है, लेकिन दो उंगलियों से टाइपिंग नहीं करनी है आपको, फोर फिंगर से टाइपिंग करनी है, तब जाके अगर आप ऑनेस्टी से फोर फिंगर से करोगे ना, थ्रू आउट द पीरियड आपको आपकी जो मेमोरी होगी वो शार्प हो जाएगी और आप फोर फिंगर से बिना देखे कीबोर्डिंग में टाइपिंग कर पाओगे, उसको कहते हैं टच टाइपिंग। सो टच टाइपिंग करने से आपको बेनिफिट ये होता है कि आप ऊपर नीचे देखने का जो टाइम वेस्ट करते हो 1-1 सेकेंड्स का वो नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू सी द लेटर्स इन द स्क्रीन एंड दिस टाइप इट, ओके। एंड देन लास्ट प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, एज आई मेंशन अगर आप इस कोर्स में जा रहे हो तो आपका मेन मोटो ये होगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने हो, यू गोइंग टू टॉक विद पीपल, यू गोइंग टू यू नो रिप्रेजेंट योर कंट्री, यू गोइंग टू सिट इन दी नो रिसेप्शन, सो वेयर पीपल कम आस्क क्वेश्चंस एंड यू विल गिव आंसर, सो या यू हैव टू नो हाउ टू बिहेव, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। दिस कोर्स इज वेरी इजी बाय द वे, बट इजी कोर्स लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको जॉब्स की स्कोप कम हो जाएगी और ये सबको पता होता है जितना तुम पर ये है कि मेन चीज़ अगर आपका इंटरेस्ट है इस टाइप के कोर्सेज में जो आपको ये डिजिटल स्किल्स सिखाते हैं, गो फॉर इट, बट आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ कनाडा आना है, तो इस चक्कर में इस कोर्स को ना लें, बिकॉज आपको फिर दिक्कत आएगी बाद में आके। कोर्स सारे अच्छे होते हैं बट आप पर डिपेंड होता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, ओके, दैट्स इट, या इट्स इट। मदन मस्त मदन मदन मस्त मदन बस तेरा नाम दोहरा।